हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल ना। आज मैं शिवसेना ऑफिस आया हूँ। तो मेरा नाम रजत है। तो आज तुम जो शिवसेना ऑफिस से धरना की एक गाय है वैसे उत्थे मृत पे ही हो, तो आज उन्होंने हाल अ शिवसेना ऑफिस लेके के आया। तो सोल्यूशन तो पूछते भी क्या सोल्यूशन है, तो चलो तुम इंट्रोडक्शन कराते इतने। जय श्री राम दोस्तों, अभी हमें सूचना मिली है कि एक गौवंश भरमाड़ और मैरा रोड जो ज्वाइंट है वहाँ रोड साइड पे बेसुध पड़ा है। तो पता नहीं अब वो जिंदा है या मृतक है। तो अभी हमारी टीम जाके ट्रीटमेंट करवाएगी अगर गौवंश में जान हुई तो, और अगर अगर मृत्यु होगी होगी तो अंतिम संस्कार जो है हमारी टीम जो है करवाएगी। तो अभी हम जा रहे हैं थोड़ी देर में। तो जैसे सूचना के अकॉर्डिंगली हमने देखा है कि काफ़ी सारे लोग उस रोड पे आते जाते हैं और किसी ने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। लोगों का कहना है कि ये जो गौवंश है दो दिन से जो है मृतक मतलब बेसुध पड़ा हुआ है। तो अब हमारी टीम थोड़ी देर में जाके वहाँ चेक करेगी और आपको पूरा इसके बारे में डिटेल दी जाएगी। और बड़े दुख की बात है कि जो यहाँ पे हमारा सभ्य समाज होने के बावजूद भी हम गौ वंश की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे। देखो कोई जैसे हिंदू त्योहारों में जब हम कभी पेड़ा खिलाते हैं, पूजा करते हैं गाय की, और वही गाय की इतनी बुरी दुर्दशा देखी नहीं जा रही है। तो अभी हमारी टीम थोड़ी देर में जाएगी और वहाँ का जायजा लेगी और जो भी संभव होगा वो हम करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने देखा जैसे कि जो हमारे शिवसेना के यहाँ पे भाई बैठे हुए हैं वो कार्रवाई करने वाले हैं इस पर। तो अभी वो डॉक्टर को कॉल करें तो हम देखते हैं थोड़ी देर बाद क्या रिस्पॉन्स आता है। तो जैसा कि देखा आपने दोस्तों की जो शिवसेना के जो हमारे भाई है, मैंने उनको बोला था वो खुद देखने गए। तो अभी आपने पिछली वीडियो में देखा होना, तो अभी हम वहां पे जाके आए तो वहाँ पे हमने गाय को देखा, वो मर गई हुई थी। तो मृत्यु हो चुकी है और हमने डॉक्टर को भी बुलाया था, वो मना कर गए कि अब ये जो है, और अब हम जो हमारे उस एरिया के प्रधान है उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इनका अंतिम संस्कार किया जाए। अगर वो अंतिम संस्कार करने में नाकाम रहे तो फिर शिवसेना जो है वो इनका अंतिम संस्कार करवा। सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आपको भी कभी कोई गौवंश घायल अवस्था में मिले तो आप प्लीज़ उसकी मदद जरूर करें। और दूसरा, प्रशासन को भी सोचना चाहिए कि जैसे ये जो बेसहारा गौवंश घूमता रहता है तो इनके लिए कुछ सोचें, क्योंकि गौवंश तो घायल होते हैं दुर्घटना में पर कई लोगों की जान चली जाती है। जान गौवंश की भी कीमती है और हम जो हमारे भाई बंधु हैं उनकी भी बहुत कीमती है। तो रिक्वेस्ट यही है कि प्रशासन से भी अपने गुहार लगाएं कि जल्द से जल्द गांव के बारे में सोचा जाए और इनके लिए कुछ बढ़िया सोच के इनका जो जीवन जी रहे हैं तो थोड़ा सरल हो, क्योंकि हम जब भी कोई बार त्यौहार होता है तो गौ माता करके हम चिल्लाते रहते हैं, पर जब ऐसी स्थिति में गौ माता मिलती है तो हम नजरें चुरा लेते हैं, हम
अनदेखा कर देते हैं। तो मेरा मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि जहाँ पे भी ऐसी कोई दिक्कत आए या कुछ भी हो या आप हमें सराउंडिंग का जो एरिया होगा या तो उसके लिए आप हमें कॉल करें या फिर आप खुद भी आगे आके मदद कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।